आज हम आपके लिए एगलेस ऑरेंज केक बनाने जा रहे हैं, जिसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गरम करना होगा। तो यहाँ मैंने स्टैंड रखा है और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गरम करेंगे। आप चाहें तो कुकर या भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम ऑरेंज केक बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा ऑरेंज लिया है और इसे हम कद्दूकस कर रहे हैं। इसका हमें केवल ऑरेंज वाला पार्ट चाहिए, वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो बहुत ही हल्का हल्का कद्दूकस करना है। इसे हम लोग ऑरेंज जेस्ट कहते हैं और इसे हम डालने वाले हैं केक में, जिससे केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये ऑरेंज केक है तो कुछ इस तरह मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। वाइट वाला पार्ट नहीं करना है कद्दूकस, केवल ऑरेंज वाला पार्ट करिएगा। तो अब हम सबसे पहले इस ऑरेंज को काट लेते हैं और इसके अंदर जो पल्प है यानी ऑरेंज है, इसे हम निकाल लेंगे। तो इसके जो बीज हैं इसे निकाल देते हैं। आप चाहे तो ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आता है ऑरेंज जूस पैकेट वाला, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेश ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर पल्प है इसे हम निकाल लेते हैं। आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हैंड बीटर का यूज़ करें, बहुत ही आसानी से निकल आता है। और ये ध्यान रखें कि जो ऑरेंज के बीज होते हैं उसे आपको निकाल देना है, उसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आज हम बैटर मिक्सी के जार में बनाएंगे। तो अगर आप बैटर मिक्सी के जार बना रहे हैं और बीज चला जाता है तो आपका जो केक है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑरेंज पल्प निकाल लिया है और बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो ये देखिए इस तरह, और आप एक बार चेक कर लें कि इसमें बीज तो नहीं है। केक बनाने के लिए केक टिन चाहिए, तो आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। इसमें आपको रिफाइंड ऑयल लगाना है, आप चाहें तो बटर पेपर या मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाला है। इसी के साथ इसमें ऑरेंज डाल रहे हैं यानी ऑरेंज पल्प, साथ में 1/4 कप इसमें दही डालेंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं, यहाँ मैंने 1/2 कप यानी आधा कप पिसी हुई चीनी लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं। अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 कप इसमें दूध यानी मिल्क डाल रहे हैं। और इसके बाद एक बार फिर से इसे ब्लेंड कर लेते हैं, जब तक सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऑरेंज जेस्ट डाल देते हैं और एक बार मिला देते हैं। तो बहुत ही आसानी से मिक्सी के जार में बैटर बनकर तैयार हो चुका है और इसे अब हमें केक टिन में डालना है। तो फटाफट केक टिन में डालेंगे इसे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट डाल देते हैं। आप ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं या टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद आपको इसे टैप करना है अच्छे से, तो इसे टैप कर दें और इसके बाद इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर। आज इसे हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। लगभग 40-45 मिनट लगेगा इसे बेक होने में। और ये ध्यान रखें कि 30 मिनट के बाद ही आप चेक करिएगा, उससे पहले इसे नहीं चेक करिएगा। तो यहाँ लगभग 45 मिनट हो चुके हैं और ये केक बेक हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो ऑरेंज केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है, हल्का सा ठंडा हो गया है। तो इसे हम फटाफट केक टिन से निकाल लेंगे, इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद ही इसे सर्व करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, ऑरेंज का फ्लेवर है और बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज यूज़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप मैदे की जगह गेहूँ के आटे का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑरेंज केक है इसे हम निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये केक और बहुत ही आसानी से बना है, एगलेस है और मिक्सी के जार में बना है। तो फटाफट इस केक को आप ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार आप इसे बनाएं और सभी को खिलाएं। बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, तो फटाफट बनाइएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।
इसी के साथ आज हम आपको मीशो ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, जो लोग घर बैठे ही 20 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे आपको शेयर करना है फेसबुक, व्हाट्सअप या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करिए, ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए मिशू पर। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सब काम मिशू करेगा, ऑर्डर को डिलीवर करेगा और जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जिनको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट भी वो कर सकते हैं। और मिशू ऐप से घर बैठे ही बहुत लोगों ने हजार और लाखों रुपये महीने कमाए हैं, तो इस बार आपकी बारी है, आप भी घर बैठे ही ढेर सारे रुपये यानी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है। मैं सदफ नाम है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मीशो से बहुत हमें सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जब मीशो से जाग जाता है ना तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। अभी हम आगे हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया तो हम सब कर सकते हैं।